ज्योतिष विद्या की आड़ में लाखों की ठगी करने वाले को मुंबई मलाड पुलिस ने एक 57 वर्षीय ज्योतिषी को मुलुंड इलाके से गिरफ्तार किया है, जो कि जनवरी से फरार चल रहा था। आप तस्वीरों में देख रहे हैं। पुलिस ने बताया कि सातिर आरोपी का नाम राम नीलकंठ करिंदकर है। यह मलाड इलाके में रहता था। पूछताछ से यह पता चला कि करिंदकर के पिता बहुत प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु थे। उनके पास मुंबई बोरेवली दौलत नगर सहित मुंबई के बाहर टेंबा नामक कई मठ है और उनके हजारों भक्त हैं। बस उसी का फायदा उठाकर यह आरोपी महिलाओं का विश्वास जीतने में कामयाब हुआ और उन्हें अपनी गायत्री कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी नामक पतपेढ़ी में पैसा जमा करने के लिए मना लिया और दर्जनों लोगों से करोड़ों रुपए जमा करवाए, जिसको लेकर अचानक फरार हो गया। आगे देखिए मुंबई से चेन्नई लाइव की रिपोर्ट। हमारे यहाँ पे दो सीनियर सिटीजन लेडीज ने कंप्लेंट दिया था कि एक ज्योतिष है, उनकी उन्होंने पहचान जो है पुरानी 2014-15 से पहचान है, उस पहचान के थ्रू उन्होंने पतपेढ़ी में इन्वेस्ट करने के लिए बोला था, उस बाबा से पहचान हुआ था। दोनों कंप्लेनेंट ने उनके ऊपर ट्रस्ट करके, वो आदमी उनको बताता था, उनका जो आरोपी है हमारे, उनको बताते थे कि मैं ज्योतिष हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ एंड मुझे ये सब समझ में आता है, मैं तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसा बोल के उनको कॉन्फिडेंस में लिया था। एंड फिर 2015 के आसपास इसने मलाड़ के ज्यूरिडिक्शन में हमारे एक पतपेढ़ी खोला था, गायत्री पतपेढ़ी। एंड उस पतपेढ़ी के इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला। इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक कंप्लेनेंट से ऑलमोस्ट 15 लाख रुपया प्लस 2 गोल्ड चेन, दूसरे कंप्लेनेंट जो है उनसे तकरीबन 50 लाख रुपया कैश और 82 तोला सोना भी उनके पास से उन्होंने लिया। पतपेढ़ी के काम से इन्वेस्टमेंट करो इस तरीके से लिया। और फिर 2020 से उनको आज देता हूँ कल देता हूँ ऐसे करके बोलने लग गया। और फिर जब वो पुलिस स्टेशन में आए और हमारे यहाँ पे हमने कंप्लेंट दर्ज की, उसके बाद वो बाबा यहाँ से गायब हो गया। हमने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके घर वालों ने भी बताया कि वो हमारे टच में नहीं है। फिर हमने हमारे इन्वेस्टिगेशन में कोशिश की उसको पकड़ने की और फाइनली उनको ये अभी अरेस्ट हुआ है। मुलुंड से हमने उसको ताबे में लिया था। इन्वेस्टिगेशन में उसने अलग अलग लॉजेस में रह रहा था, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दी है, तो मैटर की तहकीकात अभी चालू है वो पुलिस। अब ये जो अक्यूज पर्सन है, इनका इस तरीके से काम रहा हुआ है कि वो लोगों को कॉन्फिडेंस में लेता है कि मुझे ज्योतिष आता है, मुझे भविष्य की मैं आपका बता सकता हूँ, और इस तरीके से वो फीमेल्स को मेनली टारगेट करते हैं। फीमेल्स को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, उनको ऐसा बताते हैं कि हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और फिर विश्वास में लेने के बाद इस तरीके से उनसे पैसा निकाल के लेते हैं, सोना निकाल के लेते हैं। और फिर बाद में जब तक कंप्लेंट्स को पता चले कि उनका कितना बड़ा अमाउंट सामने वाले के पास चला गया है, उसके बाद ये इस तरीके से चीटिंग करते हैं। इसमें कैसे है कि ये जो अक्यूज पर्सन है, उनके पिताजी का बोरेली और खोपोली में एक मठ है टेंबा महाराज करके, एंड उसके पिताजी के गुजरने के बाद लोग उनके पिताजी के जो भक्त हुआ करते थे तो वो इनके पास आते थे, लेकिन इसने उसको भी मिसयूज़ करके जो उसके पिताजी के जो भक्तगण थे उनको भी उसने इस तरीके से उनके साथ चीटिंग किया। अभी फ़िलहाल तो 2 कंप्लेनेंट है, लेकिन हम पता कर रहे हैं, इसमें पता चल रहा है कि पतपेढ़ी में इन्वेस्ट किए हुए बहुत सारे लोग हैं जो है, पतपेढ़ी में किस तरीके का गलत काम हुआ, पैसे का क्या अफरा तफरी हुई, वो भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं।